नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में बेलगाम होते अपराध पर अंकुश लगाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इंदौर में हुए अपहरण के बाद मांगी गई फिरौती और हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली ने हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब मासूम सुरक्षित नहीं रह गए हैं, अब राजनीतिक लोगों के बच्चों का ही अपहरण हो रहा है और जब फिरौती नहीं दी जाती है तो अपराधी उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार विकास यात्रा निकालने में मस्त है और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। शमशुल हसन बल्ली ने प्रदेश सरकार के साथ ही सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया कि बढ़ते अपराधों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने सवाल किया कि जिन जगहों पर घटनाएं हो रही हैं, क्या सरकार वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को तलब करते हुए बदलेगी। बल्ली ने बढ़ते अपराध पर राज्यपाल से आह्वान किया कि प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, इस वजह से यहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। बड़ा मामला सामने आया, इंदौर में अपहरण किया गया, उसके बाद फिरौती मांगी गई, उसके बाद उसका मौत के घाट उतार दिया गया। भोपाल में भी एक अध्ययन ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार कर। बहुत गंभीर मुद्दा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के गृह मंत्री जी से और प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेता के बच्चे का अपहरण हो जाता है और फिरौती मांगी जाती है, फिरौती नहीं दी जाती तो बच्चे की हत्या की जाती है। बहुत गंदा कृत्य है ये, बहुत घिनौना अपराध है ये और हमारी सरकार दोहरों में व्यस्त है, दोहरों में मस्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, भोपाल में जिस तरह एक अधेड़ ने एक बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की, अगर यकीनन वो बच्ची चीखती नहीं तो शायद आज हमारी राजधानी भोपाल शर्मसार हो जाती। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से और माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, इन अपराधों की जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार लेती है या पुलिस प्रशासन लेता है या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर बढ़ते अपराधों को, मध्य प्रदेश में अपराधों में मध्य प्रदेश एक नंबर पे है, तो इसकी जिम्मेदारी, नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए क्या कोई बड़ा अधिकारी इस्तीफा देगा या जिस जिले में घटना हो रही है उस जिले का प्रशासन पूरा बदला जाएगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। मैं मांग करता हूँ आदरणीय हमारे राज्यपाल साहब से, जिस तरह से अपराध बच्चों के साथ घटित हो रहा है उसको देखते हुए, अपराधों के ग्राफ को देखते हुए, सरकार की नाकामी को देखते हुए अविलंब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।